नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको कुछ बहुत ही सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस मंत्र बताऊंगा, मतलब उनके द्वारा फॉलो किए जाने वाले कुछ रूटीन्स, हैबिट्स और टेक्टिक्स, जिनकी वजह से ये लोग आज बिलियनियर्स, आइकन्स और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हैं। मैं ये सब जान पाया हूँ न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर टिम फेरिस की बुक टूल्स ऑफ टाइटन से। टिम फेरिस ने अपने पॉडकास्ट के लिए करीबन 200 बहुत ही ज़्यादा कामयाब लोगों को इंटरव्यू किया और उन इंटरव्यूज में उन्होंने उनसे वो सक्सेस मंत्र पूछे जिनकी वजह से वो इतने कामयाब हुए और फिर उन एक्शनेबल तरीकों को कंपाइल करके ये बुक लिख दी। हम आज उन 200 लोगों में से कुछ हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों की लाइफ से सक्सेस पाने के एक्शनेबल तरीके देखेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना एक छोटा सा काम है, पर इसका चैनल की ग्रोथ में बड़ा योगदान है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए अब जानते हैं उन सक्सेसफुल लोगों और उनके द्वारा फॉलो किए जाने वाले सक्सेस मंत्रास को। पहले हाईली सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, और उनका सक्सेसफुल होने का मंत्रा है ड्रीम बिग एंड अचीव इट बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। आर्नोल्ड एक बहुत सक्सेसफुल एक्टर, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है, जिनसे जब उनकी सफलता का कारण पूछा गया तो उन्होंने एक छोटा सा किस्सा बताया। उनका कहना था कि ये तो उन्हें पता था कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, पर क्या करना है ये नहीं पता था। फिर एक दिन एक मैगजीन के कवर पे उन्होंने रेग पार्क की फोटो देखी, जो कि एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर, मिस्टर यूनिवर्स और सक्सेसफुल एक्टर थे। उन्होंने उस मैगजीन से उनकी कहानी पढ़ी, जिससे वो बहुत प्रभावित हुए, और उनका कहना था कि उनकी कहानी से उन्हें प्रेरणा मिली बॉडी बिल्डिंग की और एक्टर बनने की, जो उन्होंने फिर बन के दिखाया। उनका कहना था कि अगर वो मैगजीन ना पढ़ते तो शायद इतने सक्सेसफुल ना बन पाते। तो कैसे उनके पास एक सपना था और बस एक सक्सेसफुल इंसान की इंस्पिरेशनल कहानी ने उनको इतना बूस्टअप कर दिया कि उन्होंने अपना सपना सच कर दिखाया। सिमिलरली, कोई भी इंसान जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का सपना रखता है, वो अपने आसपास अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे मैगजीन, बुक्स जिसमें सक्सेसफुल इंसानों की सफलता की कहानी लिखी हुई है, या फिर लाइव सेमिनार्स या यूट्यूब वीडियोज जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोचेज और मेंटर से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है, से वो मोटिवेशनल बूस्ट ले सकते हैं, जिससे सोचना छोड़कर एक्शन लेने का इंस्पिरेशनल मिलेगा। सो ड्रीम बिग एंड अचीव इट बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। दूसरे सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान है टोनी रॉबिन्स, जो कि एक बहुत फेमस ऑथर, एंटरप्रेन्योर और पब्लिक स्पीकर हैं। उनका सक्सेसफुल होने के कई तरीकों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है उनका मॉर्निंग प्राइमिंग रूटीन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑथर ने जिन 200 सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया, उनमें से 80% से भी ज़्यादा में एक हैबिट बहुत ही कॉमन थी, और वो थी सुबह सुबह एक सेट मॉर्निंग रूटीन, सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। और टोनी रॉबिन्स तो अपने मॉर्निंग रूटीन, जिनको वो मॉर्निंग प्राइमिंग रूटीन कहते हैं, उसको सक्सेसफुल होने का एक मुख्य कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि सुबह सुबह उठने के बाद अपने आप को एनर्जाइज स्टेट में लाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको जो पहली चीज़ उठने के बाद करनी है वो है मॉर्निंग प्राइमिंग, मतलब ऐसा कुछ जिससे आप जैसे भी मूड में हैं उससे एक एनर्जाइज स्टेट में आ जाएं। ऐसा आप उठने के बाद एक कोल्ड शावर लेकर 20 से 30 मिनट पार्क में वॉक या जॉग करके, या फिर घर पर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपनी बॉडी और माइंड को पूरे दिन के लिए चार्ज कर लोगे, और फिर कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए बड़े आराम से स्ट्रेटेजाइज कर पाओगे, और दिन में बहुत कुछ अचीव कर सकोगे जो शायद एक लो एनर्जी स्टेट में दिन शुरुआत करके आप नहीं कर सकते। सो प्राइम योर स्टेट टू ए हाई एनर्जी लेवल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तीसरे सक्सेसफुल इंसान है मार्क एंडरसन, जिनका सक्सेस मंत्रा है परसिंग योर पैशन एट नाइट्स एंड ऑन वीकेंड्स। मार्क एंडरसन, जिनको मॉडर्न इंटरनेट का फादर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही वेब ब्राउजर, जिसे हम आज इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, का क्रिएशन किया था। पहला वेब ब्राउजर मोजाइक, जिसने दुनिया को इंटरनेट से जोड़ा। उनका कहना है कि हाईली सक्सेसफुल लोग इतने सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी किसी एक हॉबी या ड्रीम को बहुत पैशनेटली परस्यू करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो शायद दिन में फॉर अर्निंग ए लिविंग किसी आईटी कंपनी में, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में, या फिर बैंक या फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, पर यही लोग रात को या वीकेंड पे अपने हॉबी, अपने पैशन, अपनी ड्रीम को परस्यू करते हैं, जिसकी वजह से ये आगे जाके सक्सेसफुल और रिच होते हैं। अगले हाईली सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान है कैसी नाइस्टैट, जो कि एक बहुत फेमस यूट्यूबर है। उनका सक्सेस मंत्रा है डोंट ओवरथिंक, टेक एक्शन फॉर व्हाट मैटर्स टू यू मोस्ट एंड देन वर्क हार्ड।
वो यूट्यूबर बनने से पहले एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते थे जो उन्हें बहुत ही बोरिंग लगता था। एक बार जब नाइकी कंपनी ने उन्हें 3 एड्स बनाने की डील दी जिसमें से दो वो ऑलरेडी बना चुके थे जो कि कुछ फेमस एथलीट्स के साथ थी, जैसे एक बोरिंग नाइकी एड होती है। उन्होंने 3rd एड बनाने से पहले अपने एडिटर से कहा कि हम ये एड नहीं बनाएंगे, बल्कि हम जितना भी हमारे पास इस एड बनाने का बजट है वो लेकर पूरी दुनिया घूमेंगे जब तक कि पैसा खत्म ना हो जाए और उसे शूट करेंगे। 10 दिन लगे वो पैसा खत्म होने में और उन्होंने 15 कंट्रीज कवर की, पर वो वीडियो जो उन्होंने बनाया जिसकी शुरुआत में ये मेंशन है कि नाइकी आस्क मी टू मेक मूवी अबाउट व्हाट इट मींस टू मेक इट काउंट, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देयर मूवी आई स्पेंड द एंटायर बजट ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड अंटिल द मनी रैन आउट, और मेक इट काउंट वीडियो कैसी नेस्टेट के यूट्यूब चैनल का और नाइकी का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो बना। अब यहाँ पे लर्निंग ये है कि कभी ना कभी तो आपको एक्शन लेना होगा, सिर्फ सोचने से प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू फॉलो योर पैशन, यू हैव टू परस्यू व्हाट मैटर्स। इस वीडियो के बाद जब कैसी ने अपने चैनल पे वीलॉग डालने शुरू किए तो उनका सब्सक्राइबर बेस एकदम से बढ़ गया। कैसी की सक्सेसफुल लाइफ से एक और सीख मिलती है, वो है उनका डेली रूटीन। वो हर रोज सुबह 4:30 बजे उठते हैं और अपने रात को बनाए वीलॉग को एडिट करते हैं 7 बजे तक, और फिर 7 बजे से 8 बजे तक वीडियो अपलोड कर देते हैं। हफ्ते के हर दिन उनका वीडियो 8 बजे लाइव होता है। उसके बाद वो 8 से 9 जिम और फिर 9:30 से 6:30 ऑफिस। 6:30 से 9:30 अपनी वाइफ और बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो फिर अपने यूट्यूब वीडियो पे काम करना शुरू कर देते हैं और करीबन रात 1 बजे तक करते हैं, और फिर सुबह दोबारा उठ जाते हैं वही 4:30 बजे। मतलब अपने आप को सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करके अपने आप को बाकी लोगों से आगे रखते हैं। दोस्तों, मॉर्निंग रूटीन की तरह एक और सक्सेस मंत्रा काफी सक्सेसफुल लोगों में कॉमन था और वो है साउंड ट्रैक ऑन रिपीट फॉर अचीविंग एक्सीलेंस। ये सक्सेसफुल लोग एक पर्टिकुलर सॉन्ग ट्रैक या फिर एल्बम को रिपीट मोड पे सुनते हैं। ऑथर कहते हैं कि शायद ये उन सक्सेसफुल लोगों की प्रेजेंट अवेयरनेस बढ़ाने में, अपने गोल के बारे में विजुअलाइज करते हुए कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने में मदद करता है। ये तरीका डेफिनेटली काम भी करता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप भी कोई अपना फेवरेट सॉन्ग लगाकर हाई बीट्स वाला अपनी ड्रीम्स और गोल्स को विजुअलाइज कीजिए। आप डेफिनेटली काफी पॉजिटिव फील करेंगे और पॉजिटिव फील करने के साथ साथ अपने ड्रीम को पूरा करने का कोर्स ऑफ एक्शन भी विजुअलाइज करेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं अगर ये म्यूजिक थेरेपी आपके लिए भी काम करे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कुछ सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस मंत्रा आपको पसंद आए। इन 5ों में से कौन से सक्सेसफुल इंसान का सक्सेस मंत्रा आपको सबसे अच्छा लगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर 5वां, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत से और सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस मंत्रा, रूटीन, हैबिट्स जानने के लिए बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। बहुत से और इंस्पायरिंग आइडियाज और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।